संविधान क्या होता है? जब किसी देश या संस्था के द्वारा निर्धारित किए गए लिखित नियम जिसका पालन करते हुए उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो सके, उस नियम को उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। क्या आप जानते हैं संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों के माध्यम से किसने सजाया? आज हम जानेंगे उस महान कलाकार के बारे में। मेरा नाम राजन कुमार है और आप देख रहे हैं आर्ट स्टूडियो 2। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ। इन्होंने कला की शिक्षा कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में अमरिंद्रनाथ ठाकुर से सीखी। 1922 से लेकर 1951 तक शांति निकेतन के कला भवन के प्रधानाध्यापक रहे। भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने उनकी कला पर काफ़ी प्रभाव डाला। इन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशनों के लिए पोस्टर और चित्र बनाए। शांति निकेतन में पंडित नेहरू की मुलाकात नंदलाल बसु से हुई और नेहरू जी ने उन्हें भारतीय संविधान को चित्रों से सजाने की बात कही। 22 चित्रों से संविधान की मूल प्रति को सजाया गया। इन मूल प्रति को सजाने में 4 साल लगे। इस काम के लिए उन्हें 21,000 रुपये का मेहनताना दिया गया था। नंदलाल बोस ने ही राष्ट्रीय पुरस्कार, भारत रत्न और पद्मश्री के प्रतीक भी बनाए। इस महान चित्रकार ने 3 पुस्तकें भी लिखीं, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। 1954 में भारत सरकार ने इस महान कलाकार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1976 में भारतीय पुरातत्व संग्रह और भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने नंदलाल बोस को बहुमूल्य कला निधि घोषित किया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में उनकी 7,000 कृतियां संग्रहित हैं। 16 अप्रैल 1966 को 83 वर्ष की आयु में महान चित्रकार नंदलाल बोस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। इस महान चित्रकार का कला में योगदान के लिए कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि महान चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों से आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।